ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस पर पाकिस्तान ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक हमले में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ये हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हमले के लिए मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ईरान की प्रेस के मुताबिक इस हमले को ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अंजाम दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता का ये उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है, इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरानी हमले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज किया है। उसने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। इसके अलावा पाकिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन करने पर ईरानी राजनयिक को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि आतंकवाद क्षेत्र के सभी देशों के लिए एक साझा खतरा है जिसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि इस तरह के हमले एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत नहीं देते हैं। इसकी वजह से द्विपक्षीय विश्वास गंभीर रूप से कमजोर हो सकता है। जैश अल अदल समूह ने ईरानी हमले की पुष्टि कर दी है। उसने जानकारी दी है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की मदद से हमला किया था। ईरान ने बलूचिस्तान के पहाड़ों में जैश अल अदल संगठन के कई चरमपंथियों के घरों को निशाना बनाया। इस हमले को कम से कम 6 ड्रोन और कई मिसाइलों के जरिए अंजाम दिया गया। इस हमले में जैश अल अदल लड़ाकों के 2 घर तबाह हो गए, उनके परिवार के सदस्य हताहत हो गए हैं। इस हमले में 2 नाबालिग बच्चों की जान चली गई है। 1 किशोर लड़की के साथ 2 महिलाओं को भी चोट आई है। तो आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे बच्चे मारे गए। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। धन्यवाद सर। ईरान ने इराक में कथित तौर पर इजरायली स्पाई बेस पर स्ट्राइक की, फिर बलूची समूह के बेस पर। इससे मिडिल ईस्ट की स्थिति में और तनाव आना निश्चित है। जी देखिए निसंदेह, इससे ये जो ईरानियन स्ट्राइक्स हैं, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो सीरिया में की गई हो, या उसके बाद जब पाकिस्तान में भी जो बलूचिस्तान प्रोविंस में जो ईरान ये एक्शन ले रहा है, वो ईरान अपने ऊपर जो डिफरेंट अटैक्स हुए हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये ले रहा है। और ईरान ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। यदि आप इराक में जो कुर्दिस्तान के जो की जो राजधानी अरबिल के पास जो हमला हुआ, वो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के द्वारा दावा किया गया कि उसने इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट किया है। और इसी तरीके से सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ये हमला भी किया है। और अभी जो जैश अल अदल नामक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगातार आईआरजीसी को टारगेट करता रहा है 2012 से जब से ये अस्तित्व में आया है, तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। तो ईरान की ये जो एक्शंस हैं वो ईरान रिटेलिएट कर रहा है जो हाल के हमले जो हुए हैं। अभी आप जानते हैं कि इसराइल ने ईरान के एक टॉप जनरल को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया। उसके अलावा हमास के कई आतंकियों को लेबनान में भी टारगेट किया गया है। और इस्लामिक स्टेट ने ईरान के ऊपर जो हाल के समय में करमन में एक आतंकवादी हमला किया है, और उसके पहले भी दिसंबर के महीने में भी इस्लामिक स्टेट ने ईरान को टारगेट किया था और उसमें आईआरजीसी के कई सोल्जर्स मारे गए थे। तो ये जो हमले हैं, और जैसे अदल भी लगातार टारगेट करता रहा है, तो ये जो हमले हैं ईरान जाहिर है कि एक रिटेलिएटरी एक्शन ले रहा है। और ईरान अपने इंटेंशन को दर्शा रहा है कि इसके ऊपर यदि कोई हमला इस तरीके का किया जाता है, चाहे वो कोई स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। तो ये इस हमले को एक ईरान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि
ईरान कोई डायरेक्ट किसी बड़े युद्ध में शामिल होने की मंशा रखता है, और क्योंकि ईरान के ऊपर पहले ही बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके अगर वो कोई डायरेक्ट युद्ध में शामिल होता है तो अमेरिका और इसराइल अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, और ऐसे में ईरान को बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। तो ईरान, मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध का कोई एस्केलेशन करना चाह रहा है। ईरान ये मैसेज अवश्य दे रहा है कि यदि कोई भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर उसे टारगेट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ वो जवाबी कार्रवाई करेगा। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और फिलहाल हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। सर इसराइल से जुड़े सेंटर को टारगेट करना एक तरह से लड़ाई में सीधे कूदना है। देखिए मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में ईरान डायरेक्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन ईरान अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता रहेगा जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, क्योंकि ईरान आज की स्थिति में ये नहीं है कि इस स्थिति में नहीं है कि विश्व समुदाय से और अरब कंट्रीज में भी ईरान का इतना समर्थन नहीं है जिसकी वजह से ईरान इन्वॉल्व हो। तो ईरान बहुत ही केयरफुल कदम रख रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होना चाहता है पूरे क्राइसिस में। तो ऐसी स्थिति में जो अरब कंट्रीज में जो हुती है या दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनको वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ईरान इन्वॉल्व नहीं होगा।